देखिए कल जो सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तो कल वाला में जैसे इसका यहाँ पे गुणन, इसका गुणनखंड करेंगे तो अंतर एक था, तो जो बड़ा वाला था अगर यहाँ प्लस रहता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता था, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता था। आज गुणनखंड करेंगे तो अंतर तो एक नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 बट्टा 2 होता है। तो इसको तो a मान लेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ रूट अंडर 4 रख ले, 4 ले लेंगे और a के स्थान पे 7 ले लेंगे, उसके बाद प्लस 1 है 1 और प्लस माइनस 1, तो प्लस लेंगे या माइनस कैसे पता चलेगा? तो इसको सबसे पहले अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे 1, उसके बाद 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 7 चौक 28, रूट अंडर 28 और प्लस 1 और फिर प्लस 1/2, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से 1 29, रूट अंडर 29 प्लस 1/2,